गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को यहाँ पे गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। देखो आज की क्लास आपके लिए कुछ खास, आज की क्लास में हम जो भारत स्किल के क्वेश्चन बैंक 2018 का है उस पर डिस्कस करने वाले हैं, और करीब जो लास्ट के जो क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है, भारत स्किल के जो लास्ट के जो क्वेश्चन बच गए थे उन सारे क्वेश्चन को आज क्लास में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने करीब 5-6 क्लास में ले चुका हूं, और आपने आज तक वीडियो नहीं देखा है जाओ उसको देखो, क्योंकि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट के तरीके से सिखाया आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो देखो पढ़ता तो हर कोई है, ठीक है, पढ़ता तो हर भी क्लास में आपने देखा होगा 80 बच्चे होते हो, ठीक है, 70 बच्चे होते हैं, पढ़ते तो सारे हैं, पर टॉप कौन करता, टॉप कौन करता, आपके दिमाग में चीज आ रहा होगा कि भाई टॉप कौन करेगा। तो जिसने कॉन्सेप्ट को बैठा लिया दिमाग में, जिसने सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बना के सीखा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बना के अगर सीखोगे तो क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूलोगे, चाहे आप 1 महीने बाद पढ़ो, 2 महीने बाद पढ़ो, चाहे 4 महीने बाद पढ़ो, पर करना क्या, आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके आओ, यहाँ पे सेट करो आप ऐसे कंटेंट को, रजिस्ट्रेशन को दिमाग में कि परमानेंट के लिए स्टोर हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या क्या जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो क्या होगा, वो कंटेंट आपके दिमाग में क्या होगा, परमानेंट के लिए सेट हो जाएगा। भाई जब एक बार सेट हो गया कंटेंट आपके दिमाग में तो भूलने वाले नहीं है, ठीक है, आप सीधे एग्जाम में बैठोगे आपको याद रहेगा, एग्जाम के बाद भी आपको याद रहेगा, फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट अगर याद रहेंगे, सारे रूल रेगुलेशन आपको याद है, तो आप क्या करोगे, इजी तरीके से आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस क्या रहेगा कि आपके जो क्वेश्चन के जो डाउट है उसको दूर किया जाए और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया जाए, ठीक है। जिसने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जिसने इस पर अभी लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ बोलो, सभी को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मैसेज करो कि हाँ स्टार्ट किया जाए, करें, चलो फिर चलते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा हूँ, क्लास 7 है, ठीक है, आज जो क्लास है हमारे भारत स्किल का ये क्लास नंबर 7 है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 6 क्लास मैंने ले लिया है, ठीक है, उसको आपको देखना है और देखने के बाद आपको फीडबैक जरूर देना है। इससे फायदा क्या होगा कि मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आपके सामने लेके आऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट को इजी बना के आपके दिमाग में क्या करूंगा, परमानेंटली सेट कर दूंगा, ठीक है। क्या सहमत हो, मेरी बात अगर अच्छी लग रही हो तो फटाफट लाइक करो, क्लास को शेयर करो, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलो सभी को यहाँ पे गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ओके, रेडी हो, एक्साइटेड हो, चलो कुछ आज नया सीख लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने कहा था, क्लास को दी एंड किया था, तो हमने क्या था एटीट्यूड पे, आज क्या करना है, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना है, ठीक है। सभी को क्या करना है, एटीट्यूड लेके आओ, ठीक है, एटीट्यूड लेके आओ। कौन सा एटीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, जिससे आप मोटिवेट हो और क्लास में बिल्कुल डिसिप्लिन बना के रखो, हर चीजों को बारीकी से सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, ओके। चलो आज क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको क्या करना है, फटाफट पार्टिसिपेट करना है और आपको क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आपको क्या करना है, फटाफट जवाब देना है। ओके, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जवाब आने स्टार्ट हो गए। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से सोचो और देखो क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब आप नया कॉन्सेप्ट, ठीक है, जब आप नया कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करते हो, ठीक है, आप क्लास में जा रहे हो पढ़ाने के लिए, आप क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट हो गया, चाहे नया टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हो उसको प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप चाहते हो जो लर्नर है वो क्या ले, आपके बातों को एक तरह से क्या करे, इंटरेस्ट लेके चीजों को पढ़े, ठीक है, उस पर क्या करे, एक मोटिवेट है तो चीजों को पढ़े, तो आप कौन सा तरीका यूज करोगे, ठीक है, आप वहां पे कौन सा तरीका यूज करोगे। आप क्लास में चाहते कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाओ,
प्रेजेंट कर रहे हो, और चाहते जो लर्नर है क्या हो इंटरेस्टेड है, उसमें इंटरेस्ट ले, जो आप पढ़ा रहे हो उसमें इंटरेस्ट ले, तो आप वहां पे कौन सा तरीका यूज करोगे कि आपको बातों को जो ट्रेनिंग से इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना होता है, देखो अभी हमारे जो टीचर हैं क्या करते हैं क्लास में, हमें डरा देते हैं। कैसे डरा देते हैं कि जो पीओटी का सब्जेक्ट है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आप इसमें पास नहीं हो पाओगे। यानी क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले हमें कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाया, हमें उन्होंने सिखा दिया कॉम्प्लिकेटेड, कि बहुत टफ है, पर ये तरीका क्या होता है बिल्कुल ही गलत होता है। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बिल्कुल क्या करना चाहिए, हमें सिंपल से कहाँ जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, हमें सबसे पहले जो सिंपल कॉन्सेप्ट है उसको सिखाना चाहिए। अगर ट्रेनी जो वहां पे सीख लिया तो क्या होगा, सामने वाला बंदा मोटिवेट हो जाएगा। अगर एक बार मोटिवेट अगर हो गया तो उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स सिखाओ चाहे कैसे भी सिखाओ, वो इजीली तरीके से क्या होगा, वो सीख जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगर क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है फटाफट लाइक कर दो। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि जो हमारा एडी मॉडल है, ठीक है, एडी मॉडल में जो आपके एनालाइज का जो स्टेज है, देखो हम सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में ये मैसेज करो कि एडी मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एडी मॉडल का फुल फॉर्म आप मैसेज करो। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा कि जो हमारा एडी मॉडल है इसमें जो हमारा ए है, किसके बारे में बात हो रही है, ए के बारे में। ए क्या है आपका, तो ए होता है आपका एनालिसिस स्टेज। क्या होता है, एनालिसिस स्टेज। तो आपसे ये पूछ रहा जो एडी मॉडल है, एडी मॉडल का जो आपका ए है उसका मेन गोल क्या है। ठीक है, एडी मॉडल का जो आपका ए है एनालिसिस जिसे स्टेज बोलते हैं, उसका मेन गोल क्या होता है। तो देखो एनालिसिस स्टेज में हम क्या करते हैं, हम वहां पे सामने वाले को लेवल के जांचते हैं, हम उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या वीकनेस है, उसके प्रॉब्लम क्या है, उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तुम ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपका लेवल क्या है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जब मैं पढ़ाऊँ क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं उसमें आपके प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करूंगा, यानी कि मैं आपको जानने की कोशिश करूंगा कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आपका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको इम्प्रूवमेंट करके दूंगा ना। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो आप पे गाइडेंस है, ठीक है, जो आप हो, मैं देखूंगा आपके बारे में, जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपके बारे में जानने की कोशिश करूंगा कि आप कितने पानी में हो, तभी तो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपके लेवल को आपको जानने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, यानी क्या करूंगा, लर्न अबाउट टारगेट ऑडियंस। ठीक है, जो ऑडियंस जो है उनके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, आगे देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन है आपका। देखो बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो और बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 73 का। देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि आप कोई ले लेते हैं, ठीक है, आप क्या हो, स्टूडेंट हो, अलग अलग सिटीज में हो। अभी क्या हो, कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में है, कोई अभी क्या इलाहाबाद में है, कोई कोलकाता में है, कोई लखनऊ में है, और मैं जैसे मैं फिलहाल कहाँ पे हूँ, मैं हरिद्वार में हूँ। ठीक है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं हरिद्वार में हूँ। तो हम क्या है, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग सिटीज में है। मैं चाहता हूँ कि ट्रेनी जो है वो अलग अलग सिटीज में है, और मैं चाहता हूँ कि उनको बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, उनको जो टीचिंग और ट्रेनिंग दी जा रही है बेस्ट तरीके से सिखाया जाए, तो ये बताओ हमें कौन सा तरीका वहां पे यूज करूंगा। ठीक है, कौन सा तरीका सही रहेगा ये बताओ, कौन सा तरीका सही रहेगा, मैं ऐसा कौन सा तरीका यूज करूँ कि आपके लिए और मेरे लिए बेस्ट हो। तो मैं कौन सा तरीका यूज करूंगा, मैं करूंगा ई लर्निंग का। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ई लर्निंग का। ठीक है, यानी क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग हो जाएगी, जो कि आप वहां पे और मैं यहाँ पे, क्या हो रहा, अभी हम लाइव क्लास में यूट्यूब के थ्रू क्या है, लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं। यानी क्या हो रहा, हमारे बीच में टीचिंग और लर्निंग हो रही, टू वे कम्युनिकेशन हमारे बीच में कैसा हो रहा, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे ई लर्निंग के थ्रू। अगर आप डिफरेंट सिटी में भी हो तो हम अपने टीचिंग को और लर्निंग को बेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, क्लियर हुआ, मजा आ रहा है सारे क्वेश्चन सुन के आपको। अगर सही लग रहा है आपको सेशन तो फटाफट लाइक करो, इसमें लाइक नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो हर इंसान जो होता है, हर किसी के पास इमोशनल होता है। ठीक है, आप भी इमोशनल हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ, हमारे पेरेंट्स भी, टीचर भी, कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, इमोशनली हो जाते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा कि इनमें से, ठीक है, जो चार ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन हमारी भावनाओं से प्रभावित होता है, हमारे इमोशनल से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। तो क्या प्रभावित होता है ये बताओ मुझे।
इनकोडिंग होगा, डिकोडिंग होगा, या फिर दोनों होंगे, या फिर इनमें से होगा आपका नन ऑफ दिस। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो देखो ये बात हो रहा है कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन में आपका दो चीज होता है, एक होता है आपका इनकोडिंग और एक होता है आपका डिकोडिंग। इनकोडिंग का क्या, देखो मुझे पता है कि आप क्या करते हो, आपको हिंदी लैंग्वेज समझ में आता है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको समझ में आता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर जो आइडिया है, जो मैसेज है, मैं आपके दू, तो मैं क्या करूंगा, आपके लैंग्वेज में अपने आइडिया को, अपने कंटेंट को, मैसेज को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं इनकोडिंग। सेंडर जो अपने आइडिया को जिस फॉर्म में चेंज करता है, हम उसे क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या कि आप मेरी बातों को सुन रहे हो, सुनने के बाद अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, जो आपका जो सोचते हो कि इस लैंग्वेज में कंफर्ट में हो, तो मेरे बातों को सुनने के बाद अपने लैंग्वेज में और चेंज कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं डिकोडिंग। क्या कहते हैं, डिकोडिंग। तो ये दोनों जो चीजें, कंडीशन जो है, ये हमारे इमोशनल से क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इनकोडिंग डिकोडिंग जो है ये हमारे इमोशनल से क्या होता है, इफेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंसेस होती है। क्लियर हुआ ये कम्युनिकेशन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आपको क्या करना है, फटाफट जवाब देना है। देखो ये जो क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि जितने भी ट्रेनर जो फिलहाल कनेक्टेड है कोई गलत जवाब देगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जो आपका किर्कपैट्रिक मॉडल है, कौन से मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ, किर्कपैट्रिक मॉडल, जिससे हम क्या बोलते हैं, जिससे हम इवोल्यूशन मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन मॉडल या फिर असेसमेंट मॉडल। यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ आपका, जिससे हम लोगों के लेवल को जांचने की कोशिश करते हैं। जो एडी मॉडल का, जो हम देखो एडी मॉडल जो है उसका लास्ट क्या आपका ई है। एडी का जो सबसे लास्ट वाला शब्द है क्या, ई है। ई क्या मतलब है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किस लिए करते हैं, हम लोगों के लेवल की जांचने की कोशिश करते हैं। तो किर्कपैट्रिक मॉडल को हम असेसमेंट मॉडल भी बोलते हैं, चाहे इवोल्यूशन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, लोगों को इवोल्यूट करने के लिए हमने क्या किया, इसको एडी मॉडल में यूज किया है। तो आपसे पूछ रहा, जो आपका ऐसा कौन सा लेवल है, ऐसा कौन सा लेवल है जो आपका किर्कपैट्रिक मॉडल में नहीं आता आपका। ठीक है, जिसका एक पार्ट नहीं है। तो देखो मैंने क्या बताया, चार लेवल होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं। तो पहले नंबर पर होता है रिएक्शन, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका लर्निंग, उसके बाद होता है आपका बिहेवियर, और चौथे नंबर पर होता है आपका रिजल्ट। क्या होता है, रिजल्ट। करेक्टराइजेशन आपका नहीं होता है। ठीक है, करेक्टराइजेशन आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जिसने भी जवाब दिया उसका बिल्कुल सही जवाब है। देखो अभी मैं क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूँ, और सबको क्या करना, पोल करने है। पोल इसलिए करने हैं, देखो आज क्लास में मैक्सिमम लोग जवाब दे रहे हैं, तो आज का कौन है जिसने सही जवाब दिया मैक्सिमम क्वेश्चन को, तो उसको आज का विनर बनाएंगे। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आज का विनर कौन है। ठीक है, आज का विनर कौन होता है। तो आपको क्या करना है, सभी को पार्टिसिपेट करना है। अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपको मजा आ रहा है क्लास में, वाकई मजा आ रहा है, तो आप लाइक कर दो। और जिसको मजा नहीं आ रहा है, तो भाई उसका क्या कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाकी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता, आपका एनसीबीटी। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, एनसीबीटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो एनसीबीटी है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एनसीबीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ पे दिक्कत होने वाली बात है। देखो आप जो ITI करके आए हो, कौन सा बोर्ड है आपका, NCVT है। कैसे आपका मानता मिला NCVT से, जो आप CITS कर रहे हो। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि आप CITS कर रहे हो। ओके, ये कौन सा बोर्ड होता है, किससे जुड़ा होता है। तो जो आपका CITS हो, चाहे CTS हो, चाहे आपका ITI हो, सब आपका NCVT बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है आपका, ये सब आपका NCVT है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि NCVT जो है इसका पूरा नाम क्या है। तो 76 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा C, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। क्या हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। कौन बताए NCVT का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, मैं देखना चाहता हूँ इसका दूसरा नाम क्या चेंज कर दिया गया है। ठीक है, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, किसके बारे में बात हो रही है, 5S मेथड के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, 5S मेथड के बारे में। किस देश ने लागू किया था इसको, इसको ये कैसा शब्द है आपका, ये आपका है जापानीज। कहाँ पे, जापान के लोगों ने इसको क्या किया, डेवलप किया था। जापान के लोगों ने देखा कि हम जिंदगी में रोज हम जब तक जन्म लेते हैं, जब तक मरते हैं, हम लाइफ में बहुत सी एक्टिविटी करते हैं। अगर उन एक्टिविटी को अगर सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए,
तुम टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं और चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। तो वहां पे चाहे इंडस्ट्री हो चाहे हमारी निजी लाइफ हो, हम वहाँ पे हमेशा 5F मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। कभी देखना घर में रहते हैं कौन सामान को कहाँ रखना है, मार्किंग होती है कि ये सामान मेरा यहाँ पे रहेगा, ये सामान मेरा यहाँ पे रहेगा। हर चीज हमारा 5S मेथड जो है क्या है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है वहाँ पे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, ये देखो कि जब एक टीचर ने क्लास के जानकारी के लिए टाइम हो गया, टाइम शेड्यूल हो गया आपका, ठीक है, टाइम टेबल हो गया, शेड्यूल हो गया, चाहे आपके अपकमिंग इवेंट जो आपके कार्यक्रम आने वाले हैं, हर चीज को क्या किया जाता है, एक तरह से क्या किया जाता है, उनको निर्धारित किया जाता है, उनको अप्लाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे 5S में कौन सा एस लागू है, जहां पे हमने क्या किया, टाइम टेबल को, शेड्यूल को, इवेंट को हमने क्या किया है, निर्धारित किया, हमने क्या किया, निर्धारित किया है। तो यहाँ पे हम कौन सा एस को यूज करने वाले हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड, देखो हमने जब निर्धारित करने की बात हो रही है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, कार्यक्रम को निर्धारित किया है, ठीक है, हमने टाइम टेबल हमने फिक्स कर दिया, हमने इवेंट फिक्स कर दिया, 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाएंगे, 26 जनवरी 26 जनवरी की रक्षाबंधन ये है आपका, विश्वकर्मा पूजा ये है। तो हमने क्या एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ, इस दिन हमारा ये होगा, इस दिन ये होगा, ये सब किसमें आ जाएगा आपका, स्टैंडर्ड। हम जाते हैं देखो जो सिग्नल वगैरह है, ग्रीन कलर में ये होगा, रेड होगी तो गाड़ी रुक जाएगी, ये सब क्या है, ये सब को क्या स्टैंडर्ड बनाया गया है, ठीक है, कि ये सभी को फॉलो करने, इसको क्लासरूम में हो, अब ज्यादा वहां पे इंस्ट्रूमेंट है चाहे चेयर है, तो क्या करोगे आप, शॉर्ट यूज करोगे, छटाई करोगे, आप देखोगे क्लास में बिखरे पड़े हैं सारे सामान, तो उसको सेट इन ऑर्डर करोगे, उनको एक ऑर्डर में सीक्वेंस करोगे, अगर वहां पे देखो कचरा वचड़ा फैला हुआ है तो साइनिंग आप यूज करोगे। चीजें क्लियर हो रही थोड़ी बहुत, ठीक है, क्लियर हो रही है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे बात हो रही है PPE के बारे में, जो PPE जो होता है इसका पूरा नाम क्या है, ओके, इसका पूरा नाम मुझे बताओ, इसका पूरा नाम क्या होगा। ये आपके सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन है कि आपकी जो हम सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं उसमें PPE यूज करते हैं, कोरोना में PPE हमारा होता है, कोरोना के लिए भी 3 चीज पर फोकस कराया गया था ना, क्या आपको सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है और 2 गज की दूरी रखना है, ये क्या आता है आपका, ये भी आपका PPE में आता है, डॉक्टर है इसको क्या क्या PPE में यूज करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ये बनते हैं आपके, ठीक है। तो 78 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि अपने आप को पर्सनल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट का यूज करोगे, तभी तो मैं कहता हूँ मास्क पहनना है आपको, ठीक है, सैनिटाइज करना है और दो उसके क्या कहते हैं, दो दूरी बना के रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अगला क्वेश्चन है जॉब फेयर, जॉब फेयर मतलब कि एक रोजगार मेला क्या कर रहा, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कंडक्टिंग किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, जॉब फेयर जो है उसको कंडक्टिंग किया जा रहा है, उसको आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है जो किया जा रहा है उसको किस चीज से, ठीक है, तो ये बताओ, गाइडेंस प्रोवाइडेड करने के लिए जो हमारा कौन सा है, जो क्लोजली क्या है, कनेक्टेड है आपका, यानी कि सिंपल से क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोजगार जो मेला है जो कंडक्टिंग किया जा रहा है, ये आपसे इससे आपको क्या पता चलता है, किस लिए होता है, क्या फायदे हैं इसको, किस लिए से गाइडेंस क्या है ये चीज, ठीक है। तो ये है आपका करियर इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या होता है वहां पे, जो फिर कंडक्टिंग किया जा रहा है, ओके, किस चीज को, किससे आपकी एक तरह से क्या मार्गदर्शन, निकटता सीढ़ी क्या है। तो वहां पे क्या किया जाता है आपको, प्लेसमेंट तो किया जाता है, और प्लेसमेंट से पहले हमारा क्या आ जाता है, प्लेसमेंट से पहले क्या जाता है, हमारे करियर की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इस इसकी इसकी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, आपको जाना है, पार्टिसिपेट करना है, और चीजों को वहां पे पार्टिसिपेट करके अपना प्लेसमेंट आपको लेना है। पर क्या होता है, मेन क्या होता है आपका, करियर इंफॉर्मेशन, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ओके, हाँ, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, देखो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, प्रेशर एक्टिवेट हो जाता है। अभी देखो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, 8-9 महीने ट्रेनिंग होगी, अभी क्या हुआ, प्लेस मेरा अभी पोस्टिंग हुआ, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे जब च्वाइस पूछते हैं ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, कौन सा ले, कहाँ पे जाए, ये वो करके बहुत से क्वेश्चन होते हैं, बहुत से लोगों के जो एग्जाम होते हैं प्रेशर बहुत ले लेते हैं, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उन्हें क्या करना होता है, काउंसलिंग कराना पड़ता है, अपने आप को मेंटली को थोड़ा सा सही करने के लिए काउंसलिंग कराना पड़ता है।
तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, जो काउंसलिंग, अगर आप काउंसलिंग के प्रोसेस को पार कर चुके हो, ठीक है, काउंसलिंग के प्रोसेस को अगर पार कर चुके, अभी काउंसलिंग हो चुकी है, तो आप किस चीज को अंडरस्टैंड, ठीक है, आप जिस चीज को इधर से अंडरगोइंग में चले गए हो, ठीक है, किस चीज को आपको प्रॉफिट हुआ है, इधर से अगर काउंसलिंग आपका हो गया है, तो क्या चीज को आपने गेन कर लिया, आपको समझ में आ गया, क्या चीज का फायदा हुआ है आपको, ठीक है, जल्दी बताओ। अगर आपकी काउंसलिंग होगी तो आप किस चीज का फायदा हुआ है आपको, ये चीज बताना है। तो क्या होगा आपको, सेल्फ नॉलेज, जब आपकी क्या हुआ है, अगर आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको उतना उन्होंने मोटिवेट कर दिया, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया कि आप डिसीजन ले सकते हो, तो आपके पास क्या हो गया, आप सेल्फ नॉलेज आ चुका है कि नहीं, अगर ये गलती करूंगा तो ये हो जाएगा, ये गलती करूंगा तो ये हो जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा आपको, सेल्फ नॉलेज यहाँ पे गेन कर चुके हो आप। ओके, समझ में आ रहा सभी को, आ रहा सभी को, चलो अच्छी बात है भाई, अगर आ रहा समझ में तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ है क्या आपका, MOO और C, इसका क्या करना है आपको, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, क्या करना है आपको, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, इसका पूरा नाम क्या होगा, जल्दी बताओ इसका जो पूरा नाम क्या होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे जवाब सही आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये ऑनलाइन जो कोर्स है कैसे होते हैं, ओपन तो होते हैं पर कैसे लेवल में होते हैं आपके, तो ये आपके हाई लेवल में, हाई कैटेगरी में होते हैं, हाई लेवल मतलब क्या हो गया आपका, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है, क्लियर हुआ, चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। ओके, रेडी हो, बताओ फटाफट बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन मैं चलो थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ठीक है, आप तो पढ़ोगे भी नहीं, देख लेते हैं, इनमें से पूछ रहा कि आपका जो चार ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसका, ठीक है, किसकी विशेषता है छात्र को पोस्ट द्वारा अध्ययन सामग्री भोजन जो आवश्यक पढ़ाई और अभ्यास पूर्ण करने के बाद मूल्यांकन के लिए वापस भेजता है। देखो आपसे पूछ रहा, जो चार सिस्टम दिखाए गए हैं नीचे, इनमें से ऐसा कौन सा सिस्टम है, ठीक है, जो ट्रेनर जो वहां से एक तरह से लर्निंग कर रहे हैं तो उनको क्या करता है, मेटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्या करता है, मेटेरियल प्रोवाइड करता है, और उसके बाद उनका जो कोर्स जो है जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको रिटर्न ले लेता है और उनका असेसमेंट करता है। तो आपने देखा होगा जो आपके ओपन एजुकेशन होते हैं, ठीक है, ओपन एजुकेशन यानी कि ओपन एजुकेशन या फिर क्या, ओके, जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन होता है आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ ये मैगजीन वगैरह नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद उनको क्या करना होता है, वापिस करना होता है, ऐसा कुछ होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाए आपका, डिस्टेंस एजुकेशन, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ये हो जाता है आपको कि डिस्टेंस एजुकेशन के साथ जाए या फिर ओपन एजुकेशन के साथ जाए। देखो अगर ओपन एजुकेशन भी आपका डिस्टेंस एजुकेशन है तो आपको किसके साथ जाना है, डिस्टेंस एजुकेशन में आपको क्या करता है, आपको किताबें प्रोवाइड की जाती है, जब किताबें कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपको रिटर्न वहाँ पे ले लिया जाता है। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक होता आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और एक होता आपका स्टैंड अप इंडिया मिशन। ओके, पहला क्या था मैंने बताया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दूसरा क्या आपका स्टैंड अप इंडिया मिशन, दोनों आपका लगभग लगभग सिमिलर ही है, ठीक है, दोनों अंतर क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उनको आपको अप टू 10 लाख तक, ठीक है, यानी 10 हजार से फिर 0 से आपको 10 लाख तक आपको लोन वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, पर आपको इसमें स्टैंड अप इंडिया मिशन में क्या होता है, आपको आपको यहाँ पे 10 लाख से, वहां पे क्या था आपका 0 से 10 लाख, यहाँ पे क्या है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको क्या होता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जल्दी जल्दी सेव, 83, देखो तो यहाँ पे मेन तो फोकस क्या है कि आपको लोन प्रोवाइड करना, और लोन प्रोवाइड करने के बाद जो इंटरप्रिनर है, ठीक है, जो इंटरप्रिनर है उसको क्या करना है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो उनका क्या था कि आपको लोन प्रोवाइड करना, और लोन किसके लिए प्रोवाइड करना, जो एससी और एसटी हैं, इसके अलावा क्या वुमेन्स जो आपके माइनोरिटीज हैं, ठीक है, यानी कि जो अल्पसंख्यक में हैं, उनको क्या करना, इंटरप्रेन्योर स्टेब्लिश करना, यानी कि स्थापित करना, यानी कि जो आपके अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके अलावा जो महिला अल्पसंख्यक को क्या करना है, फिर से इंटरप्रेन्योर को स्थापित करना था। ओके, यहाँ ऑप्शन ए तो सही बैठ रहा, पर ऑप्शन बी नहीं बैठ रहा। ऑप्शन बी में क्या रखा कि 5 लाख से ऊपर और 10 लाख का लोन प्रोवाइड किया जाता है, पर ये जो क्वेश्चन बैंक है वहां पे क्या मेंशन है, वहां पे सी मेंशन है, पर ये चीज गलत है। गलत क्या है कि 10 लाख से लेके कितना लोन प्रोवाइड किया जाता है आपको, कितना प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको कितना, 1 करोड़ तक आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। देखो ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है, कि ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक है वहां पे सी मेंशन है, पर सी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 10 लाख से आपको 1 करोड़ तक दिया जाता है, ना कि 5 लाख से 10 लाख तक। तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखो यहाँ पे क्या, जो अनिल है, ठीक है, जो अनिल है वो क्या करता है, वो क्या करता है आपको, ओके, वो वर्क प्लेस पर, ठीक है, जो उसका कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, वहां पे क्या करता है। हाँ देखो, जो अनिल है वो मान लीजिए किसी वर्क प्लेस में काम करता है, और वहां पे काम करने को उसको स्ट्रेस बहुत ज्यादा आता है। क्या होता है, स्ट्रेस उसके ऊपर बहुत ज्यादा आता है। अब वो चाहता है स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो अनिल है उसे क्या करना चाहिए, बताओ। आप सोच लो, अनिल की जगह अपने आप को रखो, और अब बताओ कि आप क्या करोगे, ठीक है, अब बताओ कि आप क्या करोगे अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। बहुत लोग गाने सुनते होंगे, बहुत लोग दोस्तों से वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग की बात करते होंगे, अपनी फीलिंग शेयर करते होंगे, ठीक है, या फिर बहुत लोग किताबें पढ़ते होंगे, बहुत से लोग मूवी देखते होंगे, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं ना स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो ये तरीका आपको क्या करना है, जल्दी फटाफट जवाब दो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, क्या पता किताब की वजह से महसूस कर रहे हो, किसी दोस्त की वजह से, किसी फ्रेंड की वजह से, किसी पॉइंट की, या फिर कोई आपका ड्रीम में पूरा नहीं हो रहा, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो कंडीशन, ठीक है, जो सिचुएशन आपके ऊपर स्ट्रेस डालने पर स्ट्रेस डाल रहा है, क्रिएट कर रहा है, उस पर क्या करना है आपको, नजर रखना है। इससे फायदा क्या होगा, उस पॉइंट पे स्किप कर दो, या किसी से बात कर, अगर आप स्ट्रेस में उसे दूर कर लो, छोड़ दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसके वजह से आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हो उस पे आपको क्या करना है, नजर रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका सिविल का जो है, सिविल स्कोर क्या यूज करता है, सिविल स्कोर इज द यूज टू। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ सिविल का फुल फॉर्म बताओ, कि सिविल जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा सिविल देखो क्या कहता है, देखा हमने देखा होगा कि हमें लोन मिलता ही नहीं, आपने देखा होगा कि हमें क्या होता है, लोन मिलता नहीं है। इसके पीछे क्या है कि हमारा क्रेडिट स्कोर स्कोर जो है क्या, क्रेडिट स्कोर जो है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका पूरा नाम क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्या हो गया, क्रेडिट इंफॉर्मेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ, इसका नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो कंपनी, जो क्या करते हैं, जो हमारा क्रेडिट स्कोर है उस पर नजर रखता है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर क्या है, उसकी वजह से क्या होता है आपको लोन अगर आपको मिल जाता है, तो ही चीज आपका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट जो आपका वर्थनेस है, आपका वर्थनेस जो है उसको क्या करता है, वो चीज को देखता है, यानी कि उधार उधार योग्यता देखने के लिए। देखो जो आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, कब स्कोर क्या है, तो वही चीज आपका होगी यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, जो स्वयं प्रभा जो है, ठीक है, स्वयं प्रभा जो है किसका एग्जाम्पल है, तो किसका एग्जाम्पल है स्वयं प्रभा, आपने देखा होगा स्वयं प्रभा, कि आपको कुछ डिश चैनल पे क्या होता है, आपको कुछ चैनल होते हैं आपको फ्री में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, क्या करते हैं, फ्री में आपको एजुकेशन, करीब आपके 36 चैनल जो है डीटीएस पे, जो आपके एजुकेशन फ्री में एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब क्या है, स्वयं प्रभा क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये आपके ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस है, क्या आपके
ये आपके ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हैं। कैसे रिसोर्सेस? आपके एजुकेशन के ओपन है, आपको फ्री में आपको सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आपके टेक्निकल हो चाहे ग्रेजुएशन का, हर किसी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है आपको। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। और मैं देख रहा हूँ सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जवाब यहाँ पे कौन देता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में, टीचिंग के बारे में, टीचिंग के फेस के बारे में बात हो रही है कि टीचिंग के हमारे चार फेस होते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा प्री फेसिंग, ठीक है, प्री टीचिंग फेस जो होता है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्टर है प्री टीचिंग फेस में किस चीज का यूज करता है। जब क्लास में पढ़ाने जाते हो तो पढ़ाने से पहले आप कौन सा यूज करना चाहते हो, क्या तरीका यूज करना चाहते हो प्री टीचिंग फेस, यानी कि टीचिंग से पहले वाला जो फेस होता है उसमें इंस्ट्रक्टर जो होता है क्या यूज करता है। मान लो कि आप इंस्ट्रक्टर हो, मान लिया आपने कि आप इंस्ट्रक्टर हो, आप पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाने जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्री टीचिंग फेस में, आप क्या करोगे? तो आप करोगे प्लानिंग। क्या करोगे? प्लानिंग कि मुझे सबसे पहले क्या पढ़ाना है, क्या एग्जाम्पल देने हैं, मुझे कैसे मोटिवेट करना है, उसके बाद एप्लीकेशन कैसे करना है, टेस्ट में क्वेश्चन कैसे लेने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करनी है प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग बढ़िया होगी तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर थल्ले थल्ले, ठीक है। तो हम चाहते हैं बढ़िया हो, बिल्कुल जबरदस्त हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाँ, तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर जो है अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है, क्या यूज करेगा। इंस्ट्रक्टर जो है अपने आप को, हर सेल्फ चाहे हिम सेल्फ जो है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या यूज कर सकता है, जल्दी बताओ। मान लिया आप इंस्ट्रक्टर बन गए, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, तो अपने आप को कैसे प्रूव करोगे, जल्दी बताओ कैसे प्रूव करोगे, जल्दी बताओ कैसे प्रूव करोगे। देखो, तो इम्प्रूव तभी तो करोगे। मान लिया कि आप, मैं जो टीचर हूँ, मैं अपने आप कैसे इम्प्रूव करूंगा कि मैं बेस्ट टीचर हूँ, बेस्ट इंस्ट्रक्टर हूँ। तो जो कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया वो कंटेंट आपके दिमाग में कैसे सेट हुआ, आपको कितना याद रहा, जब एग्जाम हुआ तो जो पढ़ाया गया मेरा कंटेंट आपके दिमाग में स्टोर रहा, क्या आपने उसको वहां पर प्रोड्यूस किया, क्या आपने अच्छे नंबर वहां अचीवमेंट किए। तो इससे मैं अपने आप को देख सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ कि हाँ ये मैंने पढ़ाया बच्चे सही है, यानी कि मैं सही हूँ। ओके, ऐसे तो कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। अगर मैंने पढ़ाया बच्चे फेल हो गए तो यानी कि मेरे पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, क्या है, मेरे पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक परीक्षा के बाद छात्र के परिणामों की समीक्षा करना और उनका विश्लेषण करना। यानी कि क्या किया कि जब आपका टेस्ट हुआ, जो एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद उनका जो रिजल्ट है उसको एनालाइजिंग करना, ठीक है, और उनका क्या करना, एनालाइजिंग करना और उनका रिव्यूइंग करना, ठीक है। अगर उनका बढ़िया रहा तो अपने बेस्ट होगा, नहीं हो तो फिर अपने आप को इम्प्रूव करो, सीधी सी बात है, ठीक है। यानी टीचर का सक्सेसफुल और टीचर का सक्सेसफुल और जो लर्नर है उनका अचीवमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आपको क्या करना है फटाफट इसका सही जवाब देने, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद मैं करा चुका हूँ। इसमें क्या क्वेश्चन है आपका कि एक मिस्टर शर्मा क्लास में एक सूरजमुखी का पौधा दिखाते हैं और छात्रों को कहते हैं कि जो सूर्य है, जो सूरज है, इसके कंडीशन से जो फूल है उसके, उसमें क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक सूरजमुखी का पौधा दिया, उन्होंने कहा कि जो सूरज की जो रेडिएशन है, जो किरणें हैं, जब सूरजमुखी के पौधे पड़ेंगे तो सूरजमुखी के पौधा में क्या रिएक्शन आएगा, क्या रिफ्लेक्शन आएगा, क्या उसका रिएक्शन होगा, ठीक है। ये आपको देखना है, ठीक है, बदलाव को निश्चय करने के लिए कहते हैं। मिस्टर शर्मा शिक्षण को संक्रिय और मिलकर साथ बना सकते हैं, ओके। यानी कि जो मिस्टर शर्मा जो है वो आपकी लर्निंग एक्टिविटी को क्या करते हैं, को क्रिएट करते हैं और मेक करते हैं, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है, कैसे बना सकते हैं उसको क्रिएटिव, क्रिएटिव लर्निंग, उसको एक्टिव लर्निंग कैसे बना सकते हैं, जल्दी बताओ कैसे बना सकते हैं। और उसको 89 क्वेश्चन आपके सामने है, इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। तो उनको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट क्या करेंगे कि जो आपने देखा डिफ्लेक्शन हुआ उन पौधों में, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, उनका ऑब्जर्वेशन करना है किस टाइम पे क्या हुआ। ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या करना है, कैसा ऑब्जर्वेशन है आपको, वेरियस ऑब्जर्वेशन करने थे, कैसे करने थे आपको, वेरियस ऑब्जर्वेशन करने थे। साथ साथ आपको क्या करना था, आपको उस पर क्वेश्चन तैयार करने, जिससे क्या होगा कि जैसे एक्टिव लर्निंग हो। एक्टिव लर्निंग मतलब कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। एक्टिव लर्निंग पैसिव लर्निंग बताया था ना, एक्टिव लर्निंग क्या होता है, जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो पार्टिसिपेट जो है मिस्टर शर्मा कैसे करा रहे हैं, उनसे कहेंगे कि आप कंडीशन देखो और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन बनाओ, यानी कि आप उसमें क्या हो रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो, क्या हो रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो उसमें। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है, आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल किसका है, क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी मतलब कुछ आप नया क्रिएट कर रहे हो, कैसे क्रिएट कर, फिजिकली आप क्रिएट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो आप वहाँ पे कुछ फिजिकली, वहाँ पे मतलब कुछ मैनुअली आप क्या कर रहे हो, क्रिएटिविटी कर रहे हो, उसका एग्जाम्पल कौन सा है आपको बताना फटाफट उसमें। तो 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आपने क्या किया, कि जो वस्तु है उसको लपेटने के लिए आपने क्या किया, अखबार का यूज किया। तो आपने कुछ नया क्या किया, अखबार का यूज किया उसको लपेटने के लिए, क्या किया आपने, आपने और फिजिकल वहां पे वर्क किया न्यूज़पेपर, तो उसको आर्टिकल को क्या किया आपने, यूज किया न्यूज़पेपर में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन भी आपका वही है, आपका आपसे ये पूछा गया, जो कंपास है, कंपास के बजाय आपने क्या किया, आपने सर्कल को खींचने के लिए किसका यूज किया। तो आपने सर्कल बनाने के लिए आपने किसका यूज किया, आपने चूड़ी का यूज किया, बैंगल का यूज किया आपने, ठीक है, चूड़ी का यूज किया। तो आपने क्या किया, आपका काम किससे था, सर्कल से, पर आपने सर्कल का यूज नहीं किया, आपने चूड़ी का यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके को हम क्या कहेंगे भाई, इस तरीके को हम नहीं कहेंगे, कुछ हमने नया क्रिएट किया ना, हमने कुछ नया किया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी क्रिएटिविटी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा आपका, रेहान की माँ का कहना है कि इंजीनियरिंग के लिए रेहान की कोई योग्यता नहीं है। रेहान की मम्मी क्या कह रही है, जो उनका जो रेहान जो लड़का है वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, और कहते हैं कि जो इंजीनियरिंग में जो उसका एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड मतलब उसकी योग्यता, क्या कह रही है उनकी मदर, ये कह रही है कि जो मेरा बेटा है रेहान, उसका जो इंजीनियरिंग के प्रति जो उसका एटीट्यूड है, एटीट्यूड नहीं एप्टीट्यूड, क्या एप्टीट्यूड के बारे में बात हुई, उसकी योग्यता, वो योग्यता उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रही है, वो कैसे एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रही है, वो कह रही है कि इंजीनियरिंग के लिए कि इसकी योग्यता जो एप्टीट्यूड है वो नहीं है, तो किस टाइप के एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रही हूँ आपको ये बताना है। तो 92 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉलेज और स्किल, कैसा की बात कर रही हो, नॉलेज और स्किल, यानी जो इंजीनियरिंग करना चाहता है उनका लड़का, उसमें जाने के लिए उसके पास जो नॉलेज और स्किल होना चाहिए उसके पास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ना उसके पास नॉलेज है ना स्किल है। ओके, समझ में आ रहा सभी को, तो जिसमें आपका नॉलेज हो उसी फील्ड में आपको जाना, जिसमें नहीं है उसमें नहीं जाना है। यहाँ पे बात हो रहा है आपका एडी मॉडल के बारे में, एडी मॉडल का आपको पूरा नाम बताना है, बिल्कुल सिंपल है, मैं नहीं चाहता किसी के गलत हो यहाँ पे, बिल्कुल सभी का सही आना चाहिए। तो 93 का आपको फटाफट आपको जवाब देना है, और मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों का जवाब, बिल्कुल 100% बच्चों का जवाब यहाँ पे सही आया हुआ है, यानी कि पहला होता है आपका एनालाइज, उसके बाद होता है डिजाइन, उसके बाद होता है आपका डेवलपमेंट, उसके बाद क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद होता है आपका इवोल्यूशन। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए, कि निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम की रूपरेखा में शामिल किया जाना चाहिए। ओके, यानी क्या कहना चाह रहा आपका, आपसे पूछा जा रहा कि जो आपका कोर्स है उसके आउटलाइन में किसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, जो कोर्स है उसका जो आउटलाइन है, ठीक है, आउटलाइन के मतलब कि उसका जो आपने देखा होगा ना, दिया जाता है पहले चैप्टर में आपका ये है, दूसरे चैप्टर में ये है, तीसरे चैप्टर में ये है, यानी कि ओवरव्यू उसको ब्रीफ में बताया जाता है। ठीक है, तो कोर्स का जो आउटलाइन है उसमें किस चीज को इंक्लूडेड होता है आपका, शामिल किया जाना चाहिए, जल्दी बताओ क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए। तो 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उसमें क्या क्या शामिल होंगे आपके, तो उसमें हो जाएंगे आपके जो कोर्स है उसका प्री रिक्वायर उसका हो जाएगा आपका। ओके, कोर्स का क्या एम है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उसका शेड्यूल है कि पहले चैप्टर में क्या असेसमेंट का शेड्यूल हो जाएगा, उसके बाद जो टेक्स्ट बुक का उसके जो अदर रिसोर्सेस है सब कुछ आपका कोर्स के आउटलाइन में क्या होगा, शामिल होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? 94 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आपको जवाब देना है। आपसे क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि व्हाट इज द फोर स्टेप मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज फॉर। ओके, यानी कि इंस्ट्रक्शन के जो चार हमारे स्टेज होते हैं, जो चार हमारे मेथड होते हैं, ठीक है, वो किसके लिए यूज किए जाते हैं भाई, किसके लिए यूज की जाती है इंस्ट्रक्शन के जो चार हमारे स्टेज है किसके लिए यूज किया जाता है? सिंपल सा है यार, बिल्कुल सिंपल है। टीचिंग के लिए कौन कौन से, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्ट, हमारे इंस्ट्रक्शन हो गए। टीचिंग के हमारे कितने इंस्ट्रक्शन हो गए, चार हो गए, कौन कौन से, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, चीज को डिलीवरी कर रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं, तो हमारे चार स्टेप हो जाएंगे टीचिंग और डिलीवरी में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 96 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि आप, ठीक है, आप जो है ट्रेनिंग प्रतिपादन की व्याख्या विधि का उपयोग कब करेंगे। अच्छा, यानी कि ये बात हो रही है आपकी कि ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग डिलीवरी के टाइम पे आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग आप दे रहे हो, सामने वाले को ट्रेनिंग आप दे रहे हो, समझा रहे हो, तो आप लेक्चर मेथड का यूज आप कब करोगे? जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप वहां पे लेक्चर मेथड यूज करते हो, प्रैक्टिकल मेथड आप यूज करते हो, ठीक है, तो लेक्चर मेथड आप कब यूज करोगे भाई, ठीक है, लेक्चर मेथड आप कब यूज करोगे? ओके, तो हम लेक्चर मेथड कब यूज करते हैं, जब हम क्या करना होता है, कुछ नए कॉन्सेप्ट हमको क्या करना है, अंडरस्टैंड कराना होता है। देखो, जैसे कि मान लिया आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है किसी के बारे में, मैं चाहता हूँ कुछ और नॉलेज आपके दूं, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊं, आपको अंडरस्टैंड कराऊं, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, आपको लेक्चर मेथड का यूज करूंगा, और उसका यूज करने के बाद आपको मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उसके बारे में। ओके, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, 97 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आपको क्या करना है, ये आपको बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब हम टीचिंग के डिलीवर करते हैं, यानी जब टीचिंग करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम टीचिंग करते हैं या फिर टीचिंग के टाइम पर जो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन, ऐसा कौन सा तरीका है जो टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें हमें क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन मिलता है, ऐसी कौन सी टीचिंग की डिलीवरी है, ऐसी कौन सी टीचिंग का मेथड है, तरीका है, जिसमें क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन लर्निंग में होता है। क्या होता है, जब हम लर्निंग करते चीजों को टीचिंग करते सिखाते हैं, हम वहां पे टू वे कम्युनिकेशन यूज करते हैं। क्या टू वे कम्युनिकेशन, तो सिंपल सी बात है, टू वे कम्युनिकेशन कब होगा, जब दो मेंबर के बीच में क्या हो, डिस्कशन हो। ओके, तभी तो होगा, तभी होगा ना, क्या होगा, तभी होगा। तो इसका हो जाएगा 97 को हो जाएगा बी, यानी डिस्कशन जो है आपका, ये आपका टू वे कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ओके, किसमें आ जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन में। बाकी आपका लेक्चर हो गया, ये आपका वन वे कम्युनिकेशन है, ई लर्निंग का हम बोल नहीं सकते, वो आपका वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया आपका कि, हाँ ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, कि वेयर इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस सेड टू बी कंप्लीट। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या है आपका कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कब आप कंप्लीट मानोगे। जैसे कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कब मैं मानूंगा कि हमारे बीच क्या है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, जल्दी बताओ कब मानूंगा मैं, कब मैं मानूंगा जल्दी। ओके, इसका हो जाएगा आपको ऑल ऑफ दिस। ठीक है, देखो, अगर इस ऑप्शन में, अगर इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होता, अगर ऑल ऑफ दिस नहीं होता, अगर आपको ए चूज करना होता, तो क्या होता, फिर आपका होता ऑप्शन नंबर सी। यानी क्या होता कि जब रिसीवर आपके मैसेज को अंडरस्टैंड करता है और आपको रिस्पॉन्स देता है, तब कहते हैं हम कि हमारा जो कम्युनिकेशन है क्या हुआ, कम्प्लीट हो गया। अगर ये ऑप्शन आपको एक सेलेक्ट करना होता तो, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ, ऑल ऑफ दिस, यानी कि क्या है आपका,
कि जब हम सेंडर ट्रांसमिशन करता है, पहला स्टेज हो गया ट्रांसमिशन, पहले तो उसको इनकोडिंग करना, फिर ट्रांसमिट करना, फिर ट्रांसमिट करने के बाद चैनल हो, चैनल के बारे में बात हो, जो ऑप्शन भी आकर ट्रांसमिट के बारे में बात हो रही, चैनल के बारे में बात हो रहा। देखो यहाँ पे उसने सेंड किया, ठीक है, यहाँ पे चैनल का यूज किया, और यहाँ पे क्या किया, अपने मैसेज को डिकोडिंग किया, और डिकोडिंग करने के बाद क्या किया, उसको अंडरस्टैंड किया और रिस्पॉन्स दिया, यानी कि पूरा एक चैनल बन गया आपका, यानी कि कम्युनिकेशन के चारों लेवल हमने क्या कर लिया, यहाँ पे यूज कर लिया है, तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दिस नहीं होता तो हम जाते ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछ रहा आपका मॉडरेशन, मॉडरेशन का एडवांटेज बेनिफिट क्या है, ठीक है, मॉडरेशन का एडवांटेज यहाँ पे बेनिफिट के बारे में बात हो रही है, किसका बेनिफिट क्या है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 99 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका मॉडरेशन का कोई एडवांटेज हो, ठीक है। कमेंट सेशन में मुझे ये बता दो कि मॉडरेशन में होता क्या है, ठीक है, मॉडरेशन में होता क्या है, मैं कमेंट सेशन चेक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ मॉडरेशन में होता क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट बताओ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट सीट होता है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट सीट होता है उसमें हम क्या कहते हैं, सावधानी यूज करते हैं, ठीक है, सावधानी का वहां पे होता है ना, जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो थ्योरी ये हो गया, ठीक है, आपका शेड्यूल ये हो गया, कुछ सावधानी प्रिक्यूशन होता है ना, प्रिक्यूशन आपका होती है, सावधानियां होती है, तो हम उसको प्रिक्यूशन का जो सेक्शन होता है इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के पीछे क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या रीजन होता है, ठीक है, आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपने कौन कौन सी गलतियां किया, उस गलतियां को नोट कर रहे हो, इसके पीछे रीजन क्या नोट करने का, क्या रीजन है, इससे रीजन ये है कि दोबारा उस गलती का आप नहीं करोगे, आपको पता चल जाएगा इससे आपको करंट लगता है, ये करोगे तो ये होगा, तो उस गलती से करने से आप बच जाओगे, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप फेलियर से बच जाओगे, क्या, टू लिस्ट पॉसिबल रीजन ऑफ फेलियर, ओके, यानी जो फेलियर के जो रीजन जो बन रहे थे उनका लिस्ट बना लोगे और आगे चल के आपको क्या मिलेगा, सफलता मिल जाएगा, फिर आप फेलियर नहीं होगे, ओके, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है पीपीई, ठीक है, पीपीई के बारे में बताया था हमने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, अगर आप डेंट हो, किसके फील्ड में हो, केमिस्ट्री के फील्ड में हो, कैसे हो, केमिस्ट्री लेबोरेटरी के फील्ड में हो, केमिस्ट्री लेबोरेटरी के फील्ड में हो, तो आप पीपीई में क्या यूज करोगे, ठीक है, पीपीई में आप क्या यूज करोगे, तो आप यूज करोगे पहले नंबर पे क्या यूज करोगे, आप करोगे लैब का जो कोट है, ठीक है, जो आपके क्या है, दस्ताने हैं, ग्लव्स जो हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, ग्लासेस यूज करोगे, ठीक है, तो ये चीज हम यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए, जिसने भी जवाब दिया है उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखो केमिस्ट्री लेबोरेटरी के लिए अलग होता है, इंजीनियरिंग के लिए अलग होता है, ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा आपसे कि अगर क्लास में, ठीक है, मान लीजिए 40 बच्चे हैं और कुर्सियां वहां पे कितनी है, डेस्क और कुर्सी, बेंच और कुर्सी जो है, चेयर उनसे ज्यादा है, मान लीजिए बच्चे 50 हैं, चेयर 80 कितने, 90 है, 100 है, 150, 200 है, ठीक है, उसके बाद बोर्ड बहुत पास 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 हो और मेज में ऐसी सामग्री जो दैनिक प्रयोग नहीं आती, ठीक है, यानी बात करिए कि आप क्लास में 50 बच्चे हो, 90 वहां पे सीटें हैं और कुछ ऐसी वस्तु भी क्लास में पड़ी है जिसका यूज डेली होता नहीं है, जैसे मान लीजिए कुछ इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकल का वहाँ सामान रखा हुआ, प्रैक्टिकल आपका महीने में एक बार होता है पर वो आपके यूजफुल नहीं है, फालतू में रखा, जब प्रैक्टिकल होगा तभी तो उसको लाना आपके लिए बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है, तो वहां पे आप 5S में कौन सा तरीका यूज करोगे, ठीक है, वहां पे आप 5S में कौन सा तरीका यूज करोगे, जल्दी बताना है आपको, तो 102 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि 100 चीजों को छाटोगे, यानी कि जो 100 है चेयर तो फालतू उसको बाहर निकाल दो, जो रेगुलर में यूज में नहीं आ रहा उसको रख दो, जब प्रैक्टिकल होगा तब लेके आना, आपको छटैया करनी है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपसे पूछ रहा है कि टू कलर्स प्रणाली के अनुसार, ठीक है, यानी कि ट्रू कलर्स जो आपका सिस्टम है, ट्रू कलर जो है आपका, ठीक है, ट्रू कलर सिस्टम जो है उसने आपकी पर्सनालिटी को टाइप को बताना, कौन से पर्सनालिटी किस टाइप के है, पर्सनालिटी कैसे, पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो जो आपके साहसी है, ठीक है, कैसा है, साहसी के साथ, ठीक है, कितना साहसी, बहुत ही साहसी बंदा है, तो कौन सा कलर जो है उसकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, ठीक है, शो करता है, तो 103 का हो जाएगा ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर क्या शो करता है,
कि कितना साहसी है नहीं है आपका वो, ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑरेंज कलर का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गया पूछा जा रहा आपसे, कि उन तरीकों की पहचान करें। भाई कौन से तरीके के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे? उन तरीकों की पहचान करें जिसमें एक, ठीक है, एक क्या है आपका, एक आपका है टीचर, ठीक है, जिसमें एक टीचर स्कूल की सुरक्षा के बारे में जागरूकता ला सकता है। बहुत बढ़िया, आपसे पूछा जा रहा उन तरीके का आपको यूज बताना है, कौन सा तरीका है जिसमें जो टीचर है और स्कूल के जो सेफ्टी है, सुरक्षा के बारे में जो सेफ्टी है उसमें कैसे अवेयरनेस लेके आ सकता है, जागरूकता ला सकता है, ठीक है? तो आप चाहते हैं इंस्टीट्यूट में कैसे जागरूकता लाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी के सभी तरीके आपको यूज करने पड़ेंगे। आपको पोस्टर लगाना पड़ेगा, आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, जो आग बुझाने वाले यंत्र है उसको स्थापित करने पड़ेंगे, इसके अलावा कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो वहाँ पे डेंजरस जो केमिकल इक्विपमेंट है उनको आपको दूर करना है, सारे आपको तरीके यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, पूछा क्या जा रहा है आपसे, व्हाट इज ए वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि इसमें से कौन सा है जिसको हम वर्चुअल क्लासरूम के नाम से जानते हैं। अभी हमारे बीच में जो क्लासेस चल रही है, हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये किस टाइप क्लासरूम में आएगा, तो ये सब हमारे आ जाएंगे किसमें, जल्दी बताओ जल्दी। तो ये हो जाएगा आपके 105 का सी। ऑनलाइन जितने भी क्लासरूम होता है आपके कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, एक्चुअल तो होता है नहीं, आपको एक्चुअल नहीं होता, वर्चुअल होते हैं हमारे, तो हम बोलते हैं ऑनलाइन जो क्लासरूम है इसको हम बोलते हैं वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको बताना है इसमें से, देखो इसमें से ये पूछा जाएगा आपको कि जो इंडिया है, जो देश है, वहां पर जो इंजीनियरिंग है, ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग हो गया आपका, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट जैसे जो भी एजुकेशन है आपका, ओके, जो आपके इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इस तरह की जो एजुकेशन है उनमें क्या कुछ स्पेसिफिक तरीके से सहायता प्रदान करने वाली, इसमें से कौन सा एक तरह से क्या है वो, सहायता प्रदान करने वाली कौन सी, कौन सा डिपार्टमेंट बोल सकते हो। तो देखो जो इंजीनियरिंग है ये इंजीनियरिंग किससे मान्यता लिया जाता है, किससे किया जाता है, तो किया जाता है आपका AICTE से द्वारा। देखो अगर आप CTI में तो NCVT से लेते हैं, इंजीनियरिंग में किससे होता है आपका AICTE, ठीक है, किसके द्वारा होता है आपका AICTE, कोई मुझे बताए इसका फुल फॉर्म, किसी को याद है जल्दी बताओ फुल फॉर्म क्या है इसका, फुल फॉर्म पूछ रहा हूं मैं, AICTE का फुल फॉर्म क्या होगा, AICTE का फुल फॉर्म बताना है आपको, फटाफट बताओ किसका होता है आपका, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, क्या बोलते हैं हम इसको, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 107 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपको बताना है क्या बताना, फाइव फैक्टर थ्योरी, ठीक है, फाइव फैक्टर थ्योरी के बारे में बात हो रही है, कि फाइव फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टर, हाँ कैसे, कौन सा लक्षण है, ऐसी कौन सी विशेषता है जो लोगों के द्वारा क्या करता है, लोगों के द्वारा डिस्प्ले किया जाता है, कैसा डिस्प्ले किया जाता है आपका, जो आपके ओपननेस, सोचो आपका खुलापन हो, फाइव एस थ्योरी के अनुसार से पूछा रहा कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो लोगों को, जो ग्रुप को क्या डिस्प्ले किया जाता है, कैसे डिस्प्ले किया जाता है, कि सामने वाला कैसा है, खुलापन है, ओपन है, बिल्कुल ओपन माइंडेड है, जिसका क्या हो जाएगा, 107 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपका इमेजिनेशन जो है आपका और इनसाइट जो है ये इसका जो ऐसा ये फैक्टर, इस फैक्टर के अनुसार ये चीज क्या होता है आपको बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि कौन सा आपको ओपननेस है, आपको खुलापन है, ठीक है। आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, इस क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डिफाइन नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, ठीक है, यानी कौन आपका इसमें नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट है, ठीक है, तो आपको क्या करना, फटाफट जवाब देना है कि 108 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपसे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐसा जो आपका ऐसा इंटरेस्ट या फिर अधिक्रम जिसके लिए जो हमारा जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, या जो जो उसके साथ इंटरेस्ट आप दे रहे हो, उसकी जो टाइम देने का जो टाइम होता है पेमेंट करने का, कितना दिन होता है आपका, कि 90 दिन के भीतर क्या करना होता है, देना होता है, ठीक है। जो आपने ब्याज लिया है उसका भुगतान करना होता है, कितने दिन करना होता है, 90 दिन के भीतर करना होता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, ठीक है, 90 दिन के आपके अंदर इसको कर देना होता है पेमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज किसके बारे में बात हो रही है, बीसी रेशियो, क्या बीसी रेशियो यूज टू असेस, ठीक है, बीसी रेशियो जो बीसी है इसका पूरा नाम आपको बताना है कि क्या बोलते हैं, बीसी रेशियो किस लिए यूज करते हैं, ओके। इसका हो जाएगा आपका 109 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, क्या होगा आपका, कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस, ठीक है, समझ में आ गया, बीसी रेशियो क्या आपको, बीसी क्या आपको, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे बायो स्किल के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, ऐसा आपको क्या करना है, ऐसा सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, सिलेक्ट एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क दैट कैन बी यूज्ड फॉर लर्निंग, ओके। आपसे क्या पूछा जा रहा, कैसा आपको सोशल नेटवर्किंग का एग्जांपल आपको देना है, जिनका यूज आप कहाँ पे कर रहे हो, लर्निंग में कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, लर्निंग में कर रहे हो, तो आपको मैं लिंक, आपको मैं लर्निंग कराता हूँ, आपको चीजों को पढ़ाता हूँ, तो मैं ऐसा कौन सा सोशल नेटवर्किंग का यूज करता हूँ, आप खुद बताओ, ऐसा कौन सा मैं सोशल नेटवर्किंग का यूज करेगा, आपको चीजों को कंटेंट आपको समझाता हूँ, लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो आप बताओ किसका यूज करता हूँ, जल्दी बताओ, किसका यूज करता हूँ, तो मैं यूज करता हूँ व्हाट्सएप का, किसका यूज करता हूँ, व्हाट्सएप का, कैसे करता हूँ, लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप पे, समझ में आ रहा सभी को, क्या करता हूँ मैं व्हाट्सएप पे आपको लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो जो पीओटी जो कहता है मैं वही चीज फॉलो करता हूँ और आपको वहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ। कैसे लगे आपको क्वेश्चन आज के सारे, ठीक है, आज की क्लास आपको कैसे लगी, आपको क्या करना है, फटाफट जितने भी पार्टिसिपेट हो सभी को फटाफट लाइक कर दो, और इसके अंदर जो नॉर्मल कमेंट सेक्शन में आपको सभी को जवाब देना है कि आपको क्लास कैसे लगी, क्लास जैसे भी एंड होगी आपको नॉर्मल कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जवाब देना है कि आपको आज क्लास कैसे लगी, ओके। तो सभी को क्या करना है, कमेंट करना है, अपना फीडबैक जरूर से, ठीक है, अपना फीडबैक देना है आपको, क्लास कैसे लगी, मैं आपको और मॉडिफाई करके और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना रखते हो, जय हिंद जय भारत।